हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हर्षिका एंड मैं आज डिस्कस करूँगी सीए फाइनल एफआर। सीए फाइनल जो एफआर का पेपर है हमारे ग्रुप वन का पेपर फर्स्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो मेक इट और ब्रेक इट ऐसा होता है कि पहला पेपर अच्छा जाए तो फिर पूरे एग्ज़ाम में आपको कॉन्फिडेंस रहता है, और पहला ही अगर ख़राब चला जाए तो मेरे साथ ऐसा होता है तो मेरा तो पूरा पेपर ही पहला तो ख़राब हो गया। तो सीए फाइनल एफआर में जो मैंने क्लासेस ली थी वो तो मैंने प्रवीण शर्मा सर से ली थी, बट अभी वो तो मेरे टाइम की क्लासेस थी काफ़ी पहले, जैसे हम आर्टिकल सब स्टार्ट करते हैं ना तभी हम क्लासेस वगैरह स्टार्ट करते थे, तो एफआर की क्लासेस मैंने तभी कर ली थी प्रवीण शर्मा सर से। तो मैंने जब अटैम्प्ट दिया था तो मेरे अटैम्प्ट में इंडियस लॉन्च हो चुके थे, बट मैंने इंडियस की क्लासेस ली नहीं थी। तो मैंने जो इंडियस की क्लासेस देखी थी वो मैंने अजय नाम है उनका, अजय अग्रवाल सर से देखी थी। तो मैंने ऑल दो अजय सर से जो है वो कोई भी क्लासेस नहीं ली है एफआर की, बट हाँ इंडियस का जो थोड़ा सा पोर्शन था वो मैंने देखा था। ना ही मैंने उनकी रेगुलर कोई बैच ली थी, ना तो मैंने कोई फास्ट ट्रैक बैच ली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी कोई रेगुलर या फास्ट ट्रैक कुछ परचेज़ किया था, उनकी बुक्स देखी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो मेरा रिव्यू है, जो मेरा ओपिनियन है अजय अग्रवाल के लिए एफआर की क्लासेस का, वो मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इंडियस है ना, हम लोगों ने एएस पढ़ा था, इंडियस पढ़ा नहीं था, तो इंडियस के लिए उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। एंड जैसे होता नहीं है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेशन कुछ पढ़ना है तो कितना एग्ज़ाम में आता है मुझे वही पढ़ना है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, एंड बहुत ही जैसे होता नहीं बहुत फास्ट फास्ट आपको कवर करना है कि नहीं मैंने पूरा सिलेबस एफआर का कंप्लीट कर लिया, एएस कंप्लीट कर लिया एंड इंडियस देखना है। तो इंडियस के लिए मैंने उनको रेफ़र किया था अजय अग्रवाल सर को। तो मैंने उनकी जो यूट्यूब पे लेक्चर्स थी, रिवीजन लेक्चर्स जो नहीं डालते हैं या तो लास्ट डे एग्ज़ाम के ऐसा डालते हैं, तो प्रीवियस अटैम्प्ट जो हमसे पहले डाला हुआ था तो उसका ऐसा देखते हैं हम लोग ना कि हाँ कैसा है इनका क्या है, तो वो सारी चीज़ें, और कुछ बच्चों के जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन थे मैंने उसके बेसिस पे बहुत लोगों का सर्च करके मैंने अजय अग्रवाल सर की क्लासेस ली थी, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। एंड क्योंकि मेरे पास तो सारे एफआर के नोट्स वगैरह थे ही, तो मैंने नोट्स से अपनी पढ़ाई की थी। एंड इंडियस के लिए मैंने सर को फॉलो किया था, एंड पर्सनली मुझे, मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छी फैकल्टी लगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एंड लास्ट मोमेंट तक, लास्ट टाइम तक जब तक आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाते हो, वन डे बिफोर एग्ज़ाम वो आपकी हेल्प करते हैं, कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ पूछते हो या तो आपने वो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो अगर उसमें कोई क्वेश्चन रहता है तो ठीक है, अगर फैकल्टी करती है, नहीं तो करती है तो फिर थोड़ा सा स्टूडेंट भी सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसा था, तो मैंने जब उनका लिया तो मुझे वो फैकल्टी का जो पढ़ाने का तरीका था वो अच्छा लगा, एंड प्योर एंड वन थिंग जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड था वो, एंड मॉक टेस्ट वगैरह भी लेते रहते हैं, तो मैंने तो फिलहाल कोई भी एफआर का मॉक टेस्ट नहीं दिया था। तो मेरा जो ओपिनियन है अजय सर के लिए, अगर आप ग्रुप वन के लिए एफआर की क्लासेस के लिए सर्च कर रहे हो एंड नंबर ऑफ फैकल्टीज़ को देख रहे हो, तो आप एक बार अजय सर को देख सकते हो, उनके यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, आप पहले उनके लेक्चर्स को देखो, एक बार उनको सुनो, एंड अगर आपको समझ में आते हैं देन आप परचेज़ कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, और भी फैकल्टी है जो पढ़ाते हैं एफआर और बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं बच्चों के, एग्जिबिशन भी आते हैं। मेरा हमेशा से यही कहना है कि सारी फैकल्टी जो होती है वो सारी फैकल्टी अच्छी होती है, एंड सारी फैकल्टी को पढ़ के आपको बच्चों के एग्जिबिशन भी आते हैं, बट दिस इज़ माई ओपिनियन या आपका ओपिनियन है कि आपको किसकी बातें समझ में आ रही है, कौन सी फैकल्टी की चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो अगर आप अजय अग्रवाल के लिए एफआर के लिए जा रहे हो तो बेशक जाओ, आप फैकल्टी बहुत अच्छी है, उनके मटेरियल भी बहुत अच्छे हैं, जो भी वो क्लास में पढ़ाते हैं, जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, एंड मेन थिंग जो कॉन्सेप्ट वो लिखाते हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अपने से लिखवाएंगे आपको क्लास में, अगर आप उनकी क्लासेस लोगे तो कॉन्सेप्ट आप वहाँ से देखोगे कि सर क्लास में कॉन्सेप्ट समझाते हैं, लिखाते हैं, तो सारी चीज़ें वो आपको देंगे एंड आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। आज जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो ICI के ही क्वेश्चन होते हैं, जो आपके RTP, MTPs, मॉक टेस्ट पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए हैं, या तो आपके जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए होते हैं तो वो वही सारे क्वेश्चन का कंपाइलर होता है उनके क्वेश्चन बैंक में। तो आप अगर ग्रुप वन में FR के लिए क्लासेस के लिए देख रहे हो तो बेशक आप एक बार अजय अग्रवाल सर की क्लासेस देख सकते हैं, उनके क्लासेस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, जो रिविज़न लेक्चर्स उन्होंने डाल रखे होंगे या फिर जो भी आपको FR के बारे में बताया होगा, मोर और लेस सब कुछ नहीं पता चल जाता है रिविज़न से, बट ठीक है, मोर और लेस आपको आइडिया लग जाएगा कि यस इस फैकल्टी की बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आती है देन आप परचेज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, और नहीं समझ में आती हो तो आप मत परचेज़ करिए, जिसकी समझ में आती है आप उसी की क्लासेस लो, क्योंकि CA बनना इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपने बहुत हार्ड वर्क की है, 3 साल की आर्टिकलशिप की है, CA इंटर को क्रॉस किया है, फाउंडेशन पास किया है, तब आप यहाँ तक आए हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।